हेलो फ्रेंड, सत्यमेव जयते। आइए कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है हर एग्जाम्स के लिए। तो आज हमने लिया है विभिन्न देशों के संसद को लिया है, तो इस तरफ देश है और इस तरफ संसद के नाम है। तो आइए देखते हैं, भारत का संसद है, मिस्र का पीपुल्स असेंबली है। मिस्र का क्या होता है? पीपुल्स असेंबली होता है। पाकिस्तान का नेशनल असेंबली होता है। पाकिस्तान का क्या है? नेशनल असेंबली। ब्रिटेन का पार्लियामेंट है। ब्रिटेन का क्या है? पार्लियामेंट। जर्मनी का बुंडेसटैग है। तो यहाँ पांच पांच को आप लिस्टिंग कीजिएगा। जर्मनी का क्या है? बुंडेसटैग है। ब्रिटेन का पार्लियामेंट है। पाकिस्तान का नेशनल असेंबली है। मिस्र का पीपुल्स असेंबली है। भारत के संसद है। अब सिक्स में देखते हैं, यूएसए का कांग्रेस है। यूएसए का कांग्रेस है। बांग्लादेश के जातीय संसद होता है। ताइवान के युआन है। इजराइल के नेसेट है। जापान के जाट है। जापान के क्या है? जापान के डायट होता है। जापान का क्या होता है? डायट। यहाँ थोड़ा मिस हो गया है। जापान का डायट होता है। क्या होता है? डायट। जापान का क्या होता है? डायट। इजराइल के नोसेट होता है। ताइवान के युआन है। बांग्लादेश के जातीय संसद है। यूएसए के कांग्रेस होता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, मालदीव का मजलिस होता है। स्वीडन का रिक्सडॉग होता है। नॉर्वे का स्टॉर्टिंग। आयरलैंड के डेल आयरन होता है। ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट होता है। तो यहाँ 15 तक अंडरलाइन कीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट। आयरलैंड का डेल आयरन है। नॉर्वे का स्टॉर्टिंग होता है। स्वीडन का रिक्सडॉग होता है। मालदीव के मजलिस होता है। अब आगे देखते हैं, स्पेन का कॉर्टिस होता है। नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत होता है। रूस का ड्यूमा होता है। चीन का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस होता है। फ्रांस का नेशनल असेंबली होता है। यहाँ 20 पे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करवाता हूँ। फ्रांस का नेशनल असेंबली है। चीन का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस होता है। रूस का ड्यूमा होता है। नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत होता है। स्पेन का कॉर्टेस होता है। ठीक है, आगे देखिए, इजराइल का मजलिस होता है। भूटान का त्वेनसांग होता है। मलेशिया का दीवान निगारा होता है। अफगानिस्तान के सेरा होता है। स्विट्जरलैंड के फेडरल असेंबली होता है। स्विट्जरलैंड के क्या होता है? फेडरल असेंबली होता है। स्विट्जरलैंड के फेडरल असेंबली। अफगानिस्तान के सेरा होता है। मलेशिया के दीवान निगारा होता है। भूटान का त्वेनसांग होता है। ईरान के मजलिस होता है। ईरान के क्या है? मजलिस। फ्रांस के नेशनल असेंबली होता है। आगे है, तुर्की के ग्रैंड नेशनल असेंबली होता है। पोलैंड के सोजिम होता है। पोलैंड के क्या है? सोजिम। मंगोलिया के खुरल होता है। डेनमार्क के फोलकेटिंग होता है। कनाडा के पार्लियामेंट होता है। तो यहाँ हमने 30 कंट्रीज के क्या जाने? संसद के नाम को जान लिया। अब कुछ साइंस के कुछ फैक्ट्स हैं वो समझते हैं। कहता है, मनुष्य के शरीर में रुधिर प्रतिदिन लगभग 350 लीटर ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। मनुष्य के शरीर में रुधिर का जो प्रवाह होता है, ठीक है, तो लगभग 350 लीटर ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। कौन करता है? तो रुधिर करता है, मतलब रक्त करता है। अब फिर कहता है, इसमें 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन द्वारा ले जाया जाता है। मतलब ये कितना है? 350 लीटर में, तो इसमें 97% जो ऑक्सीजन होता है वो हीमोग्लोबिन द्वारा ले जाया जाता है, तथा शेष 3% भाग का संचरण रुधिर प्लाज्मा करता है। 3% भाग का कौन करता है? रुधिर प्लाज्मा करता है। अब आगे है, महिलाओं में बच्चों से संबंधित सामाजिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गाँव के 1000 जनसंख्या, कितना है? 1000 जनसंख्या पर एक महिला सामाजिक, कितना? एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता चुनी गई है, जिसे एक्टिवेस्टेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट कहा जाता है। इसी को हम आशा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आशा के नाम से। आशा कहने का मतलब एक्टिवेस्टेड, ठीक है, उसके बाद सोशल, एक्टिवेस्टेड सोशल हेल्थ, उसके बाद एक्टिविस्ट है। क्या है? एक्टिविस्ट, जिसको हम लोग गांव में आशा के नाम से जानते हैं, जिनका काम होता है प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना। आइए, अब कहता है, शरीर के सामान्य तापमान अगर 95 डिग्री फेंडाहाइट से नीचे गिर जाए, 95 डिग्री फेंडाहाइट से नीचे अगर गिर जाता है, तो ऐसी स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोथर्मिया।
अगर किसी व्यक्ति का किसी मनुष्य का 95 डिग्री फेंडा हाइट से अगर नीचे उसका गिर जाता है लेवल, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, हाइपोथर्मिया कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में कमेंट भी कीजिए। चलिए, थैंक यू।